सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल पाइथन जी। आज का टॉपिक है हब। इस वीडियो में हम लोग हब के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, व्हाट इज हब को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हब। सो हब इज अ मल्टी पोर्ट रिपीटर। As you can see in previous picture, hub is a multi-port repeater. A hub connect multiple wire coming from different branches. Like various computers, we have to connect various computer together. So we need a hub. It is a multi-port device. Basically, we can connect multiple wires from different type of computers, different nodes to a hub. It can't filter data, so data packets are sent to all connective devices. So it when data receive, it does not filter data. It can basically send all the data packets in all the nodes. So this is this advantage of hub. In other words, collision of domain of all host connect through hub remains one. Hub doesn't have any routing table to store the data of ports and maps. सो बेसिकली जब बहुत सारे डाटा पैकेट्स एक साथ फ्लो होने लगते हैं और बहुत सारे मल्टीपल डिवाइसेस में फ्लो होते हैं तो चांस ऑफ कॉलिजन बढ़ जाता है। सो इन हब दीज आर बेसिक थिंग्स दैट वी शुड नो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो व्हाट इज हब नेटवर्क एंड हाउ इट्स वर्क। सो हब कैसे वर्क करता है। Hub is a hardware device used at the physical layer to connect multiple devices in the network. जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि हब बहुत सारे डिवाइसेस को एक साथ नेटवर्क से कनेक्ट करता है। It is widely used to connect LANs. ये जनरली लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए बड़े रेंज पे यूज होता है। एक मल्टीपोर्ट डिवाइस है, बहुत सारे इसमें पोर्ट्स होते हैं। इट कैंट फिल्टर डाटा। जो स्विच होती है ना, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो स्विच पे आएगी, स्विच फिल्टर कर सकती है डाटा को, बट हब के पास वो कैपेसिटी है नहीं। इट कैंट आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन ऑफ द पैकेट्स, सो इट ब्रॉडकास्ट और सेंड द मैसेज टू ईच पोर्ट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हब के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डाटा पैकेट्स को राइट डेस्टिनेशन तक आइडेंटिफाई करके पहुंचा। इसीलिए जब भी डाटा रिसीव होता है तो वो वेरियस वेरियस नोड्स तक, पोर्ट्स तक पहुंचा देती है डाटा पैकेट्स। सो हब में हर एक डाटा पैकेट्स के पास, हर एक डाटा पैकेट्स हर एक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हर नोड्स तक पहुंच जाता है। जबकि स्विच में ऐसा नहीं है। स्विच के बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में जानेंगे, जो कि आएगी कल। सो फीचर्स ऑफ हब। हब के क्या फीचर्स हैं? तो ये जो है ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्टिंग और बैंडविड्थ शेयर करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इट कैन प्रोवाइड हाई डाटा ट्रांसमिशन रेट टू डिफरेंट डिवाइसेस। इसका ट्रांसमिशन रेट बहुत ही हाई होता है गाइस। इट कैन डिटेक्ट कॉलिजन इन द नेटवर्क एंड सेंड द जैमिंग सिग्नल्स टू ईच पोर्ट। जैसे कि पहले भी पता है कि ये जो है हर एक पोर्ट को सिग्नल सेंड कर देता है, तो चांस ऑफ कॉलिजन बढ़ जाता है, बट ये डिटेक्ट कर लेता है। इट वॉज अनेबल टू फिल्टर द डाटा, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। ये डाटा को फिल्टर नहीं कर पाता है, ये सारे नोट्स को डाटा पैकेट सेंड कर देता है। ये मतलब शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है डाटा को, इनसफिशियंट वे में कंप्यूटर तक सेंड करने में। ये हब जो है वो बेसिकली एक डिवाइस है जो कि हम लोग को ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, डाटा ट्रांसमिशन में। और इसका एक मेन डिसएडवांटेज है कि ये जब भी डाटा पैकेट्स रिसीव होता है, ये हर एक नोड को सेंड कर देता है, जबकि जो स्विच होता है वो जो आइडेंटिफाइड पोर्ट होता है वही सेंड करता है, इधर उधर कहीं भी डाटा पैकेट सेंड नहीं करता है। सो That's all about this feature.
इसका एडवांटेज है कि ये लेस एक्सपेंसिव होता है और ये स्विच से लेस एक्सपेंसिव होता है, ये उतना इम्पैक्ट नहीं करता नेटवर्क की परफॉर्मेंस पे और इट सपोर्ट्स नेटवर्क मीडिया। और इसका डिसएडवांटेज है कि ये शॉर्टेस्ट वे नहीं फाइंड कर पाता है, बेस्ट पाथ जो होता है डाटा ट्रांसमिशन का ये वो फाइंड नहीं कर पाता है। ट्रैफिक डिटेक्शन का कोई मैकेनिज्म इसमें है नहीं, डाटा फिल्ट्रेशन इसमें होता नहीं है, कहीं पे भी पूरे सारे नोड्स में जितने कनेक्टेड है हब में सबके पास डाटा ट्रांसमिट हो जाता है। नॉट कैपेबल ऑफ कनेक्टिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपोलॉजी। इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपोलॉजी तो वेरियस टाइप्स ऑफ टॉपोलॉजीज होते हैं जो कि डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सो ये उतना कैपेबल भी नहीं है कि सारे टॉपोलॉजीज के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाए और अच्छे से फंक्शंस अपना प्रोवाइड कर सके। सो ये सब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बने रहिए हमारे साथ इसी तरह और अच्छा करते रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मोटिवेशन बना रहे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। सो थैंक यू एंड बाय बाय।